वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है रूपम एंड आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला यामाहा R6 के बारे में। यस, जैसे कि आप टाइटल से देख पा रहे हैं, ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है इंडियन मार्केट से। लेकिन क्या कारण है इसका डिसकंटिन्यू करने का, और ये इंडियन मार्केट में क्यों नहीं है, और है भी तो कैसे है, क्योंकि अभी इसका 10% इंडिया में है, लेकिन कैसे है उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आखिरी तक वीडियो देखना, बिल्कुल भी इसका नाम नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेशंस आए थे व्हीकल के ऊपर, उस रेगुलेशन के कारण इस गाड़ी की जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे कम हो गई है, और धीरे धीरे ये गाड़ी कंटिन्यू से डिसकंटिन्यू में आ चुकी है। एंड क्यों हाई है, क्योंकि आप लोगों को पता है BS6 हर गाड़ी को होना मैंडेटरी है, नहीं है तो इसकी गाड़ी की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। तो ये हर कंपनी पे लागू होता है, सेम विद यामाहा R6। ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। ये लॉन्च हुई थी 1999 में, और उसके बाद से ये गाड़ी ने धूम मचा के रखा था, क्योंकि लाइट वेट बाइक थी, 600 सीसी में थी, और पावर आउटपुट वन ऑफ द बेस्ट आपको देखने को मिलता था। डिजाइन भी आपको R1 जैसा देखने को मिलता था, लेकिन जो पावर फिगर है वो R6 का मिलता था, मतलब 600 सीसी के हिसाब से देखा जाए तो। और ये काफी ज्यादा फेमस थी 600 सीसी में, जो दूसरी गाड़ियां है अभी मार्केट में उससे काफी ज्यादा इसकी डिमांड थी, बिकॉज इस गाड़ी का लुक एंड फील उतना अच्छा था। यामाहा का इंजन था एंड वन ऑफ द स्मूथेस्ट इंजन आपको इसमें देखने को मिलता था, 4 सिलेंडर था एंड पावर आउटपुट बॉम्ब था। इवन सिंगल टैप में ये 120 प्लस की स्पीड करता था सिंगल गियर में। इस गाड़ी की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे इस गाड़ी को कम्पीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या बोलते हैं ना, धीरे धीरे चीजें चेंज होती गई और जो 600 सीसी की कैटेगरी है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड होने लगी, एंड काफी गाड़ियां उसमें लॉन्च हो चुकी थी जो कि इससे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रही थी एंड इससे अच्छे फीडबैक दे रहा था। लेकिन हाँ, यामाहा की अगर बात करें तो यामाहा R1 ज्यादा फेमस है इंडिया में, रेदर R6 का जो भी इनिशियल, या तो मैं बोल सकता हूँ 2020 या तो मैं बोल सकता हूँ 2010 में इस गाड़ी का सबसे ज्यादा क्रेज था यंगस्टर में, जिन लोग को अगर स्पोर्ट्स बाइक अगर देखना होता था या जो सोचते थे सपने में कि यार इस टाइप की बाइक मेरे को परचेस करनी चाहिए थी, उनके घर में एक ही फोटो होती थी, दैट इज यामाहा R6। अगर आप लोग भी रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि उस टाइम पे किसको R6 ज्यादा पसंद थी, क्योंकि मुझे तो काफी पसंद थी R6 और मेरी फेवरेट भी थी, लेकिन बोलते ना उस टाइम हमारे पास पैसा कुछ नहीं था और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इस गाड़ी की काफी अच्छा पॉपुलैरिटी थी, लेकिन अब इंडियन मार्केट में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एंड कंटिन्यू है तो कैसा है वो बता दो। ये आपको रेस ट्रैक वाली जो वेरिएंट है वो आपको देखने को मिल सकता है, और वही आप परचेस कर सकते हैं जो नॉर्मल जो ट्रैफिक में चलाने के लिए जो गाड़ी नॉर्म्स के हिसाब से होती है, लेकिन वो गाड़ी आपको R6 में नहीं देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो रेस वाला जो वेरिएंट है वही देखने को मिलेगा। एंड रेस वेरिएंट में अगर मैं बात करूं, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं होता है, नॉर्मल सिटी राइड के लिए, इवन ऑन हाईवे राइड के लिए ये सिर्फ और सिर्फ जो अप्रूवल होता है सिर्फ ट्रैक फोकस के लिए, मतलब आप ट्रैक पे सिर्फ चला सकते हैं, ना कि आप बाहर एरिया में। क्योंकि इस गाड़ी की अगर मैं बात करूं, काफी लाइट वेट होती है एंड काफी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए काफी सारी चीजें यूज की जाती है, जैसे कि आपको इसमें एयर इंटेक के लिए काफी सारे इक्विपमेंट्स एक्स्ट्रा एड ऑन देखने को मिलता है, जिस कारण से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ जाती है, और ये एक्चुअल में क्या है, सिटी राइड के हिसाब से सही नहीं है, थोड़ा डेंजरस हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट इस पे अप्रूवल नहीं दे रही है। एंड एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इसका BS6 वाला वेरिएंट नहीं आया, BS4 वाला वेरिएंट है जो कुछ कुछ शोरूम्स में अभी भी बचा है। BS6 वाला मॉडल सिर्फ और सिर्फ रेस एडिशन में है, बाकी आपको R6 अगर आपको लेना है तो आप अगर सेकंड हैंड आपको मिलती है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन स्टिल वन ऑफ द बेस्ट बाइक है यामाहा R6। एंड आप लोग का क्या कहना है डिस्कंटिन्यू होने पे इस गाड़ी का, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे। फ्रॉम मी, मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद थी, मेरा सबसे पहला जो बोलते ना बाइक जिससे जिस कारण से मुझे सबसे ज्यादा बाइक से प्यार हुआ था वो है यामाहा R6, वन ऑफ द बेस्ट बाइक जो मुझे आज तक लगी। 600 सीसी में बजट ओरिएंटेड बाइक है, लेकिन बहुत अच्छी थी, लेकिन कंपनी की तरफ से डिसकंटिन्यू हो चुकी है, और जो गाड़ी है वो सिर्फ ट्रैक फोकस है, तो मतलब नहीं है लेने का आम इंसान के लिए। ये उनके लिए सबसे बेस्ट होगा जो रेगुलरली या वीकली वीकेंड पे ये लोग ट्रैक पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ज्यादा बेटर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक करना, नए सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना। मिलते अगले वीडियो में, बाय एंड चाओ।